महत्व है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आजकल कार्डियो वर्कआउट युवाओं में काफी प्रचलित है। कार्डियो वर्कआउट यानी वो व्यायाम या लयबद्ध गतिविधि जो हृदय की गति को बढ़ाती है और बढ़ाकर उसे लक्षित हृदय गति क्षेत्र में ले आती है। इससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, साथ ही हृदय को मजबूत बनाने में भी ये उपयोगी है। कार्डियो व्यायाम हृदय की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। शरीर की ग्लूकोज को अवशोषित करने की क्षमता को भी ये बेहतर करता है। लगभग 150 मिनट पर वीक का व्यायाम हमारे हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है कि चलते समय आपको या तो स्वेटिंग हो या फिर पसीना या फिर सांस फूलने लगे, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टहलने को हम लोग व्यायाम नहीं कहते हैं, ब्रिस्क वॉक या फिर कार्डियो वर्कआउट या फिर आप घर में योगा भी करके, इंडोर एक्टिविटीज़ करके भी व्यायाम सर्दियों में कर सकते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें सबसे अधिक वसा और कैलोरीज बर्न होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फायदे पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ ही मिनटों में व्यायाम करके कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बात हो फैट कम करने की, वजन घटाने की, तो कार्डियो एक्सरसाइज काफी लाभदायक सिद्ध होती है। कार्डियो एक्सरसाइज यानी हृदय का वो व्यायाम जिसे हृदय की गति तेज हो जाती है। कार्डियो वर्कआउट शरीर की चर्बी को कम करने का एक सरल तरीका है, जिससे वजन जल्दी घटाया जा सकता है, साथ ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्डियो वर्कआउट पूरे शरीर के साथ हृदय को भी स्वस्थ रखने का प्रभावशाली तरीका है। हमारे हृदय में सबसे ज्यादा फैट्स, वसा और कैलोरी एकत्रित होते हैं। कार्डियो करने से हृदय रोग को दूर रखा जा सकता है। कार्डियो वर्कआउट करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हृदय स्वस्थ रहता है, मोटापा और वजन कम करने में उपयोगी है कार्डियो वर्कआउट। नींद अच्छी आती है, मस्तिष्क सक्रिय और चुस्त हो जाता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, त्वचा स्वस्थ और निखरी होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, व्यक्ति प्रसन्न चित रहता है, पाचन बेहतर बनता है, शरीर की चय अपचय प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही रक्त में शर्करा का स्तर भी नियंत्रित रहता है। कार्डियो करते समय सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम किया जाए। जो बात कार्डियो को अन्य प्रकार के व्यायाम से अलग करती है वो है शक्ति प्रशिक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कसरत सत्र के दौरान आपके शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने सुना कि सर्दियों में लोग एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा समय अपने घर में रजाइयों में गुजारते हैं, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है और हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ जिनको है उनका भी शुगर असंतुलित हो जाता है। सुबह आप जब सोती हुई अवस्था से सडनली एक अलर्ट अवस्था में आते हैं, आपका एड्रेनलिन सर्ज होता है। सुबह जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो वक्त है उसमें हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है, तो सडनली आप नहीं जाएं उठते ही वॉक के लिए या व्यायाम करने के लिए, थोड़ा सा समय दें, अपने आप को कंफर्टेबल हो जाएं और उसके बाद लगभग 7-8 बजे के आसपास आप व्यायाम करने के लिए जाएं और ब्रिस्क वॉक करें और रेगुलर रहें अपने व्यायाम में, उसको अपने दिनचर्या को सर्दियों में चेंज ना करें। कार्डियो वर्कआउट करने की क्षमता एक से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है। स्वस्थ और एक्टिव रहने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ घंटे कार्डियो वर्कआउट के लिए अवश्य निकालने चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ही सरल है, इसे आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। आप पैदल चलकर या साइकिल चलाकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब है एक व्यवस्थित तरीके से शरीर की चर्बी और वजन को कम करना। अपनी रोज की दिनचर्या में कार्डियो वर्कआउट के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। व्यायाम करना से